हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं राम अवधेश कुमार का वेलकम करता हूं अपने चैनल ड्रीम पे। मैं ग्रेडर ऑपरेटर और नेटवर्कर हूं, जो नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टिज कंपनी से जुड़ा हुआ डायरेक्ट सेलिंग का काम करती है। मैं वेस्टिज से ज़्यादा दिनों से तो नहीं, एक दो सालों से जुड़ा हुआ हूँ। ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा, उस पर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। भी फिलहाल यहाँ पे ग्रेडर ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे हैं सऊदी अरबिया, सेफ कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। तो सभी बोल रहे थे कि फंक्शन जो भी है केबिन के अंदर, जो भी स्विच बटन जो भी है अपना, उसके बारे में जानकारी के लिए, क्योंकि दूसरे वीडियो डाले थे लेकिन सब इसमें इसके लिए फंक्शन के लिए डिमांड कर रहे थे। तो अभी उसके देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन है जानकारी में। ये देखते हैं इसके सारे फंक्शन जो केबिन के अंदर 160M कैट कंपनी का। नॉर्मल जो भी गाड़ियों में जैसे क्लच ब्रेक एक्सीलेटर होता है, तो वैसे इसमें भी है। ये राइट साइड का पहला पैडल है, इसमें एक्सीलेटर है, पैर वाला एक्सीलेटर जो है यहीं पे है। इसके बाद मिडिल में ब्रेक के लिए दिया गया है ब्रेक पैडल, प्रेस करने के ब्रेक अप्लाई होगा। ये लास्ट है लेफ्ट साइड का पहला पैडल, जिसको क्लच जब भी गियर अप्लाई करना है तब का इंजन ऑयल टेम्परेचर बताएगा, ये हाइड्रोलिक ऑयल टेम्परेचर बताएगा। डीजल मीटर देखे, ये ऊपर वाला है जो राइट साइड का लीवर देख रहे हैं जो पहले बताए थे इसके बारे में। ये सारा हाइड्रोलिक का फंक्शन है इसमें केवल। ये हॉर्न दिया हुआ है, ये इंडिकेटर है, ये सारा फिगर दिया गया है। जो भी राइट साइड वाले लीवर में जो भी फंक्शन है इसका फिगर दिया हुआ है इसके अंदर। फिर ये रीपर है, वो हो गया आपका हल जिसको बोलते हैं, ऊपर प्रेस करेंगे तो ऊपर उठेगा, नीचे नीचे बटन के जैसा दिया गया है। बहुत ग्रेडरों में आगे रहता है, बहुत ग्रेडरों में पीछे रहता है। ये डिस्प्ले सेटिंग डिस्प्ले दिया गया है गियर सेट वगैरह करने के लिए, रिवर्स जब लगाते हैं तो कौन सा चाहिए, फॉरवर्ड गियर में पहला गियर कौन सा चाहिए इसके लिए, और भी बहुत सेटिंग है इसके अंदर। ज़्यादा हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ये आपका हाथ वाला एक्सीलेटर के लिए दिया गया है, नीचे से लॉक करेंगे फिर वो पैर वाला लॉक हो जाएगा, इसके बाद हाथ वाला काम करेगा। इसको प्रेस करते रहने से एक्सीलेटर बढ़ेगा, जितना बार प्रेस करेंगे देख रहे हैं इधर वो बढ़ रहा, जितना बार उसको प्रेस करेंगे जितना मैंने आपको चाहिए आरपीएम उतना पे ला के छोड़ दीजिए। ये सब मोटा काम लंबा काम होता है, उसमें यूज होता है। तो ये मिनिमम हो गया, फ्री हो गया, पैडल वाला यूज कर सकते। ये नीचे लॉक करने के लिए पर मीडियम कर, ये एक्सीलेटर बढ़ाने के लिए हो गया हाथ से। तो जितना प्रेस कीजिएगा, जितनी बार प्रेस कीजिएगा उतना एक्सीलेटर बढ़ते रहेगा। राइट साइड वाले में बताए थे जिससे कम होगा, इसको जितना बार प्रेस करके छोड़ेंगे
ऑक्सीलेटर डाउन होते जाएगा, नीचे कम होते जाएगा, जितने बार प्रेस करेंगे हमारा ऑक्सीलेटर डाउन कम करने के लिए। ये पीला सब साइड में बटन जो दिया गया है वो फोर व्हील के लिए है, ये दोनों का बटन का समझ गया हूँ, हाथ वाले एक्सीलेटर से दोनों रिलेटेड है। फिर ये चारों इंडिकेटर के लिए, ये फिर आपका फोर व्हील डायरेक्ट लगाना, कीचड़ उचड़ में काम कर रहे हैं, रेत में काम कर रहे हैं, लगाना है। ये हाइड्रोलिक लॉक के लिए, जैसे कहीं लंबा में जा रहे हैं, मार्चिंग में कर रहे हैं, उसको लगा दिए तो ये हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं काम करेगा, जितना भी अप्लाई कर रहे हैं काम नहीं कर रहे, ये लॉक ऑन करें। निशान भी दिया गया है जैक के जैसा, हाइड्रोलिक जैक के जैसा, देखिए अब उसको खोलने के बाद ये काम करता है। ये कभी लंबा मार्च करने के लिए या एक जगह से दूसरे जगह कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, चला के जा रहे हैं, तो उसके लिए स्टीयरिंग काम करता है, लेकिन बस हाइड्रोलिक फंक्शन काम। फिर ये बटन आप देख रहे हैं, ये वाला कहीं पहाड़ी एरिया या पथरीला मिट्टी, बहुत कभी कहीं ऐसा एरिया होता है जहाँ पथरीला एरिया है, पत्थर बहुत है मिट्टी में, तो इसको अप्लाई कीजिएगा तो झटका पत्थर उथर आने पर जो सर्किल पे असर नहीं पड़ता है, सर्किल को नुकसान। ये ड्रॉबर खोलने के लिए दिया गया है, ब्लेड निकालते हैं स्लोप बनाने के लिए या दूसरे काम के लिए, ब्लेड साफ करने के लिए भी निकालते हैं, तो इसको खोलना पड़ता है ड्रॉबर, इसे खोलेगा। फिर यहीं पे स्टीयरिंग लॉक का है, इसी के जस्ट बगल में लाइट है ग्रीन कलर का, उसे खोलिएगा, यहाँ लाइट है। अभी खुल गया, अभी लाइट आ गया, नीचे थोड़ा प्रेस करना पड़ता है क्योंकि पूरा सेंटर मिलने के बाद ही निकलता है इस ड्रॉबर से। फिर वो बंद किए तो लॉक हो गया दोबारा। जब लॉक हो जाएगा तो लाइट नहीं रहेगी, ओपन कीजिएगा तभी लाइट वहां ग्रीन होगा, स्टीयरिंग वाले लॉक के पास जो लेफ्ट साइड में बटन दिया। ये सब वाइपर है, एसी के लिए दिया गया है, फैन के लिए टेंपरेचर हीट नॉर्मल, कूलिंग हीट हीटर, नॉर्मल सब मशीनों में ऐसे ही रहता है, कैट वाले में तो ऐसे ही दिया। ये हैंडल जो दूर है या गेट हैंडल बोलते हैं, बाहर निकाल के बाहर लॉक करने के लिए, फिर उसको फ्री करने के लिए दिया गया है हैंडल। ये हाथ रखने वाला हैंड स्टैंड है, तो ऊपर नीचे करने के लिए दिया गया, इसको ऊपर पुश कर, ऊपर वाले बटन को पुश करेंगे तो वो ऊपर आ रहा है, देख रहे होंगे नीचे जा। ऊपर वाला प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ, अपने सहूलियत के हिसाब से ऊपर नीचे करने के लिए इसमें बटन दिया है, तो लंबाई में जिसका लंबाई कम है तो वो नीचे से डाउन करके बैठे रखने के लिए दिया गया। अभी तो नए मॉडलों में बिल्कुल ऐसे ऊपर उठा के लीवर दिया गया और ऊपर
ये लेफ्ट साइड वाला है, इसमें स्टीयरिंग गियर सारा इसमें फंक्शन दिया गया है, स्टीयरिंग गियर है ऊपर पीला वाला, ऊपर बटन से फॉरवर्ड जाएगा, नीचे से रिवर्स जाएगा, नीचे 9876 से जाएगा ऊपर वाला से 1 2 3, ये तो रिवर्स फॉरवर्ड न्यूट्रल मोड यहाँ पे चेंज होगा, रिवर्स में रखना है तो रिवर्स में, न्यूट्रल में रखना है तो न्यूट्रल, फॉरवर्ड में फॉरवर्ड, आगे आगे जाने के लिए फॉरवर्ड, पीछे आने के लिए रिवर्स, ये सामने गेज दिया हुआ है, जब मशीन थोड़ा पीछे से टेढ़ा या सीधा रहता है तो उसमें दिखा। प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।